नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ट्यूसडे को यानी कि 17 नवंबर को कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है, क्योंकि मंडे को मतलब यानी कि कल मार्केट ऑफ है। सो आप लोगों को कल मैं एक स्विंग ट्रेड प्रोवाइड करवाऊंगा जो आप मंडे को परचेज कर सकते हैं फॉर अ वीक और टू वीक। आई एक्सप्लेन यू इन माई अदर वीडियो, ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो अगर हम आज स्टॉक्स की बात करें तो पहला स्टॉक जो मैं लेकर आया हूँ वो है CDSL। CDSL पे बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है ऑलरेडी अपवर्ड है, प्लस ये एक चैनल के अंदर काम कर रहा था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा था, उसका इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल से। प्लस ब्रेकआउट देने के समय आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हर्डल्स थे, ये देख सकते हैं मल्टीपल टॉप्स बने हुए थे जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, उसको भी ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आज इसने एक हॉल्ट कैंडल बनाई है, ठीक है। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 498.70। सो अगर ये 500 के अबव आता है तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और वी कैन सी एन अप मूव ऑफ 520-515 ऑल्सो। सो जस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज ऑरो फार्मा। या सो औरबिंदो फार्मा बाय करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को। ये देख सकते हैं कि ये भी एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल के अंदर ही काम कर रहा था, ठीक है, ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर काम कर रहा था। उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सेम CDSL टाइप मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, उसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करा, उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर जाके इसने दोबारा रीटेस्ट लिया है। अब यहाँ पर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट अबव 855, आपको 855 के ऊपर ही बाय इनिशिएट करना है। अगर 855 के ऊपर नहीं जाता सो यू डोंट हैव टू बाय, ठीक है। सो ये भी एक पर्टिकुलर स्टॉक था। नेक्स्ट स्टॉक इज एल कार्गो। ये एल कार्गो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था, और मतलब बेसिकली प्रीवियस वीडियो पे, और अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है, इवेंचुअली मैं भी बाय कर सकाऊं। और जिन जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको भी मैंने लाइव सेशन पे ये स्टॉक सजेस्ट करा था कि 124 के ऊपर बाय करना है। आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये काम कर रहा है, ये मल्टीपल एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करा एंड 124 के ऊपर जाके क्लोज कर गया। अगर कल ये डिप देता है, मतलब अगर कल एक दो रुपए नीचे खुलता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और ये 132 से लेके 136 तक आराम से जा सकता है। सो यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर स्टॉक एल कार्गो लॉजिस्टिक। नेक्स्ट स्टॉक इज जुबिलेंट। ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं मैं अपने प्रीवियस वाली वीडियोस पे। या आप यहां देख सकते हैं, लेट मी जस्ट जूम दिस पर्टिकुलर स्टॉक। या अब यहां देख सकते हैं कि एक अपमूव के अंदर काम कर रहा है, एंड अपमूव के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक रेंज के अंदर इसने बना लिया है। अब रेंज बनाने के बाद आप देख सकते हैं इस पॉइंट ने रेंज के बोलो को टेस्ट नहीं करा। व्हाई? बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं एक डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बना है, एंड उस लेवल से ही ऊपर जा रहा है। सो 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही थी, 700 के ऊपर मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे क्लोजिंग देखने को भी मिल गई है। सो यस, वी कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट वी हैव टू सी इफ इट्स दिस लेवल सस्टेन्स और नॉट। सो हम लोग क्या करेंगे, 704 के ऊपर एक बाय इनिशिएट करेंगे, ठीक है। 703 की क्लोजिंग है, मैं एक रुपए ऊपर जाके बाय इनिशिएट करेंगे, एक रुपए का कंफर्मेशन मिलना इट्स इंपॉर्टेंट। लास्ट स्टॉक इज लॉरस लैब। एक सेकेंड, या लास्ट स्टॉक है लॉरस लैब। इस पर भी बाय इनिशिएट करना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करा, बाय बनता है। आप लोगों को मैंने बहुत बार कह रखा है कि अगर जब रेजिस्टेंस ब्रेक होकर फर्स्ट टाइम आता है तो बाय बनता है, सेकंड टाइम आता है तो बाय बनता है, क्योंकि हर टाइम दो नए हाईज बनते हैं, ठीक है। थर्ड टाइम में वी हैव टू बिट कॉशियस। फर्स्ट टाइम बना, एक हाई बन गया, सेकंड हाई आ गया, सेकंड रीटेस्ट करा, अब एक नया हाई बन सकता है। सो यस, वी कैन गो फॉर अ बाय। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 3 दिन होल्ड करी है, जैसे ये 290 के ऊपर क्लोज करेगी या 290 के ऊपर सस्टेन करेगी, वी कैन गो फॉर अ बाय। और हमारा टारगेट सबसे पहला है 301, 302, एंड नेक्स्ट टारगेट इज वेरी अबव, ठीक है। सो इसको भी आप वॉच करके चल सकते हैं। तो ये हमारे पांच स्टॉक्स है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, सो यू कैन सी इट हियर, लेट मी ओपन निफ्टी चार्ट। आप यहां देख सकते हैं कि निफ्टी ने क्या करा है, लेट मी जस्ट जूम दिस पर्टिकुलर चार्ट। या आप देख सकते हैं कि जिस दिन ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल बनी थी, हमने आपको उसी टाइम कह दिया था कि मार्केट को आपको कल शॉर्ट करना है, तो हमने ये शॉर्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मार्केट क्या कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस एक स्ट्रांग मूवमेंट आई है और एक छोटी सी कैंडल बनाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट करना है, अगर नीचे खुलती है तो यू हैव टू बुक प्रॉफिट, और अगर उसी लेवल पे खुलती है तो आपको एक बार सेलिंग करनी नहीं है और जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना है। वही हुआ कि ये नीचे खुला एंड उसके बाद हल्का सा नीचे गया, प्रॉफिट आ गया और मार्केट ऊपर क्लोज हो गई। मुरत ट्रेडिंग सेशन में हमने गैप अप ओपनिंग देखी, उसके बाद नीचे जाके क्लोज कराए। सो राइट नाउ जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12,775 का। अगर हमें कल मार्केट पे ट्रेड नहीं करना, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कल ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अगर हमें निफ्टी में ट्रेड करना भी है तो हम लोग कल भी सेल साइड की तरफ करेंगे, बट अगर ये 12,755 के नीचे जाता है, अगर ये 12,755 के नीचे जाता है तो यस वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट, बट अगर ये ऊपर जाता है तो वी डोंट ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, बिकॉज ये एक डिसीजन कैंडल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है तो वी गो फॉर अ शॉर्ट, अगर ये इसके नीचे क्लोज होती है तो देन वी गो फॉर अ शॉर्ट, इसके ऊपर लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो कल एक डिसीजन कैंडल होगी, कल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सिमिलर गोज फॉर बैंक निफ्टी, लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। बैंक निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी पे अभी कोई बाय नहीं है, बैंक निफ्टी पे बाय सेल बनाना है, सॉरी बिलो 450, 28,450 के नीचे आपको शॉर्ट बनाना है, एंड जो अपर लेवल था 29,000 का, इसके ऊपर ही हम लोग बाय बनाएंगे। इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इस रेंज पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट अगर हॉल्ट करती है इस रेंज के अंदर तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट दे सकती है, बट हमें कल कंफर्मेशन के लिए वेट करना है नीचे जाती है या ऊपर जाती है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, होप यू ऑल लाइक इट। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और अगर आप लोग हमारी चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन के आपको साथ में दिख जाएगा, कि कोई भी नोटिफिकेशन हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच इट। सो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो पे, यानी कि कल मैं एक स्विंग ट्रेड लेकर आऊंगा, चार्ट ऑफ द वीक होगा, तो यू हैव टू डेफिनेटली वॉच दैट, एंड उसे वीडियो को वॉच करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब इट नाउ। सो आई विल मीट यू टुमारो, बाय बाय गाइज़।